आगे आने वाले जो तुम्हारे 4 साल हैं, अक्सर ये कहते हैं कि यार अगर यूनिवर्सिटी मेरी अच्छी नहीं हुई तो प्रॉब्लम होगी। आपको ये समझना है कि अगर आगे आने वाले 4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए आप सही से, जैसे मैंने कहा, प्लान नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब वो प्लानिंग स्टार्ट किस तरीके से होती है, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देखेंगे काउंसलिंग ड्राइव लिखा हुआ है, ठीक है? ये काउंसलिंग ड्राइव किसकी है? जैसे सर ने बताया आईबीए ग्रेजुएट्स एंड छा जाओ, तो आईबीए ग्रेजुएट्स में हम लोग पिछले 20 से 25 साल से बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। उनकी यूनिवर्सिटी डिसीजंस के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं टॉप यूनिवर्सिटीज से, लोकली भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं अपने, उनके बिजनेसेस भी हैं। और ये सब उन्होंने क्यों अचीव किया? ये सब उन्होंने इसलिए अचीव किया क्योंकि जब उनका ये टाइम था, इंटरमीडिएट में थे या ए लेवल्स में थे, इस वक्त वो हमारे पास आए, इस वक्त उन्होंने हमसे पूछा कि यार सर हम क्या करें, हमें पता नहीं है आगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, समझ नहीं आ रहा, कोई गाइड नहीं कर रहा, आप बताएं। तो उस वक्त क्योंकि उन्होंने उस बात को समझा, उस वक्त उन्होंने उसके हिसाब से प्लानिंग की, तो इसलिए उन्होंने देखा कि उनको वो रिजल्ट भी मिले, ठीक है?